केजीएफ और कांतारा की बड़ी सक्सेस के बाद मेकर्स ने एक न्यू मूवी का पोस्टर रिलीज किया है जिसका फर्स्ट लुक आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर सकता है। तो क्या है भाई इस फर्स्ट लुक में? केजीएफ और कांतारा जैसी हिट मूवीज देने वाले होमले फिल्म्स अब किस बेसिक पर कहानी लेके आने वाले हैं और कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स इसमें काम करने वाले हैं, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। उसके पहले एक काम करिए ना मेरा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने इस सक्सेसफुल साल को जारी रखते हुए होमले फिल्म्स जिन्होंने की कांतारा और केजीएफ बनाई है, उन्होंने एक नई की घोषणा की है जिसका नाम है रघु थाथा। तो आपका कौन सा फेवरेट एक्टर इस मूवी में काम करने वाला है? उसके पहले जानते हैं कि जब इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज करते हुए डायरेक्टर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगी। फिल्म रघु थाथा एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा है। जी हाँ, कॉमेडी ड्रामा जो नियमों को चुनौती देकर अपने सिद्धांतों पर कायम रखते हुए उनसे लड़ती है और एंड में सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। उसकी मुसीबतों और तकलीफों के बीच में आप उसकी पहचान को भरते हुए देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत की गई इस कहानी को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी भी सही और आपका आत्मनिरीक्षण करने का वादा भी करेगी। होमले फिल्म्स की अगले 2 साल में 14 मूवीज रिलीज होने वाली है जिसमें एक प्रभास की सालार है, फहद फाजिल की धूमम है, बगीरा है। इस फिल्म में कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आने वाली है। रघु थाथा को 2023 की गर्मियों में थिएटर में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। ये होमले की पहली तमिल फीचर फिल्म होगी जिसे बेहद प्रतिभाशाली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता कीर्ति सुरेश के साथ बनाया जाएगा। कीर्ति ने मलयालम, तमिल बड़े पैमाने पर काम किया है और उनके टैलेंट को देखते हुए वो इस फिल्म के लिए एकदम सही पसंद है। आप इस न्यूज़ से कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें। बाय बाय।